शिवलिंग आप देख रहे हैं जैसे इतना बड़ा विशाल शिवलिंग है, ऊपर नाग देवता विराजमान है, सामने पुजारी जी खड़े हैं। तो ये मंदिर अधूरा रह गया, मूर्तियां पहले से उन्होंने मंगवा ली थी। जहाँ ज्योतिलिंग जो 12 ज्योतिलिंग हैं, जो वो उन्होंने जहाँ से लेकर प्रमंडल तक मंदिरों वाला शहर बनाना था, लेकिन उनका ध्यान होने के कारण ये जहाँ की मूर्तियाँ जहाँ ही स्थापित कर दी, जहाँ रखी थी उन्होंने पहले लाकर, श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बनना था। सीएन न्यूज़ की पूरी टीम ने सोचा कि शिवरात्रि के मौके पर कुछ अलग किया जाए, सो हम निकल पड़े जम्मू से उत्तरवैनी की ओर। सुनने में आया था कि यहाँ बहुत ही पुराना एक शिव मंदिर है, जिसको हमने भी पहले कभी नहीं देखा था, सुना तो बहुत बार था पर पहुँच नहीं पाए। मुझे लगता है कि शायद भगवान शिव का आदेश था हमारी पूरी टीम को कि हम इस मंदिर को कवर करें। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ सूखी हुई झाड़ियाँ हमें नज़र आने लगी और सामने देखा तो एक विशाल सा मंदिर, खूबसूरत सा वाइट कलर में। कहते हैं कि यहाँ महाराजा रणवीर सिंह जी ने ये मंदिर बनाया था 1837 शायद इतने ही सन में ये मंदिर की स्थापना की गई थी। और अंदर आपको इस मंदिर का व्यू दिखाएंगे। यहाँ पे कहते हैं कि बहुत विशाल पिंडियाँ स्थापित की गई और उनका उद्देश्य था कि इस मंदिर को वो एक विराट मंदिर के रूप में बनाएंगे और काशी बनाएंगे। ये मंदिर यहाँ से लेके जम्मू तक बनाया जाएगा। ना जाने उनके मन में क्या वो डिज़ाइन था, क्या वो सोच थी, लेकिन वो बना नहीं पाए। और आइए चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको इस मंदिर का व्यू। और यहाँ के जो लोकल जो पुजारी हैं उनसे बात करते हैं और इस मंदिर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अचानक से यहाँ पे हमें एक वृद्ध इंसान मिले, शायद मुझे लगता है कि मंदिर के पुजारी हो सकते हैं। पुजारी जी नमस्ते, आशीर्वाद दीजिएगा ज़रूर। आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप यहाँ के पुजारी हैं। हाँ जी। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए पुजारी जी? तकरीबन 150 साल हमारे परदादा जी रहते थे पहले। अच्छा। उसके बाद मेरे दादाजी रहे। अच्छा। उसके बाद पिताजी रहे और 45 साल मैंने भी सर्विस की जहाँ। अच्छा, मंदिर की पूजा की। मंदिर की पूजा। आपका नाम मैं जान सकती हूँ? हाँ जी हाँ, मेरा नाम राम रतन है। राम रतन जी, हाँ जी। आप जरा इस मंदिर के बारे में बताइए, थोड़ा सा ज्ञान दीजिए मंदिर के बारे में। हाँ जी हाँ, ये मंदिर भगवान राम लक्ष्मण सीता जी का है और इनके साथ ही 12 शिवलिंग है। अच्छा, एक ही मंदिर में 12 शिवलिंग की स्थापना हुई है? हाँ, 12 शिवलिंग की इसलिए हुई थी, जब ये मंदिर तैयार अभी नहीं हुआ था, अधूरा मंदिर भी बोलते हैं इसे, तो जो राजा रणवीर सिंह जी थे उनके नाम पर ये मंदिर है, इस मंदिर का नाम रखा है रणवीर सिंह ईश्वर। अच्छा, उनका देहांत तो हो गया जी, तो जो मूर्तियां थी वो सारी जहां लाई थी पहले की, मंदिर बनने से पहले वो मूर्तियां जहां, या शिवलिंग? शिवलिंग जी, जी। अच्छा, तो जब उनका देहांत तो हो गया भगवान राजा महाराजा जी का जी, तो जो मूर्तियां थी उन्होंने जहाँ से लेकर परमंडल तक 5 कोशी मंदिर बनाने थे। अच्छा। हाँ, 1.25 लाख मूर्ति भी आई थी, छोटे छोटे शिवलिंग जिनके 9-10 इंच हाइट है। अच्छा। तो उनके वो अभी भी हमारे जहाँ कोठे भरे हैं। अच्छा। तो जब उनका देहांत हो गया तो उन्होंने जो कोठे भरे थे वो भरे ऐसे के ऐसे ही रहे, तो जो ये मंदिर बना था इसमें भगवान राम जी की भी मूर्ति स्थापित कर दी और भगवान शंकर जी की भी मूर्ति स्थापित कर दी। और उसके बाद उन्होंने निश्चित किया, मेरे परदादा जी थे पंडित मणिराम जी, उनको पुजारी निश्चित कर दिया मंदिर की देखभाल के लिए। हाँ, उस टाइम बड़ी वो जो इनकम का सोर्स था वो भी बड़ा कम था और तनख्वाह भी बड़ी कम थी। अच्छा। 3-4 रुपये तनख्वाह मिलती थी। तो वो तनख्वाह कौन देता था? वो देते थे जो हमारे जहाँ के राजा हैं।
अच्छा, क्या राजा का नाम क्या था जो तनख्वाह देते थे उनको? जो उस टाइम तो हरी सिंह जी थे। अच्छा, महाराजा हरी सिंह जी। हरी सिंह जी इनको तनख्वाह देते थे। तनख्वाह देते थे। महाराजा गुलाब सिंह जी भी जहाँ चक्कर लगाया उन्होंने भी, उन्होंने जो नीचे वाला मंदिर है गयाधर स्वामी जी का, महाराजा गुलाब सिंह जी ने बुलाया। हाँ जी। और महाराजा हरी सिंह जी आया करते थे इस मंदिर में? इस चीज का पता तो हमारे बुजुर्गों को ही है। अच्छा, मुझे मालूम नहीं है। ठीक है। अभी अभी जो टाइम चल रहा है, जो जुगराज साहब है, जो हमारे बड़े राजा हैं, जिनका नाम क्या है उनका? उनका नाम राजा करण सिंह जी है। अच्छा, महाराजा करण सिंह। महाराजा युवराज करण सिंह। वो आते हैं यहाँ पे? जहाँ मेरे समय में कुछ 5-6 बार ही चक्कर लगाया उन्होंने। अच्छा, आते हैं। आते हैं। ठीक है, तो आओ जरा चलते हैं मंदिर के बारे में आपसे बात करते हैं। आइए पुजारी। कोई चलते हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर देखते हैं वो 12 शिवलिंग जिनकी स्थापना महाराजा साहब ने करी थी। और मंदिर तो बहुत ही खूबसूरत है, और अंदर पुजारी जी से पूछेंगे इस मंदिर के बारे में, और पुजारी ही बताएंगे इस मंदिर की विशेषता। और आइए मंदिर का व्यू दिखाते हुए हम अंदर जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर। सुनने में आया है कि इसकी दीवारें जो है वो माँ की दाल, काली दाल और चूने से बनाई गई थी। और आइए अंदर जाते हैं। जय हो भोले बाबा। तेरी महिमा अपरंपार, विशाल शिवलिंग आप देख रहे हैं, जैसे इतना बड़ा विशाल शिवलिंग है, ऊपर नाग देवता विराजमान है, सामने पुजारी जी खड़े हैं। पुजारी जी, आज आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे ये जो शिवलिंग की, 12 शिवलिंग की स्थापना हुई थी, उनके बारे में आप बता सकते हैं? अच्छा, देखो महाराज, जब महाराजा रणवीर सिंह जी ने ये मंदिर बनवाया तो ये मंदिर अधूरा रह गया। मूर्तियाँ पहले से उन्होंने मंगवा ली थी। जहाँ ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो वो उन्होंने जहाँ से लेकर परमंडल तक मंदिरों वाला शहर बनाना था, लेकिन उनका ध्यान होने के कारण ये जहाँ की मूर्तियाँ जहाँ ही स्थापित कर दी, जहाँ रखी थी उन्होंने पहले लाकर। श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बनना था, जहाँ 1,25,000 मूर्ति छोटी छोटी शिवलिंग की, जहाँ कमरे भरे हैं, जो उत्तर जो सेंटर वाला मंदिर है जिसका नाम है मुक्तेश्वर, उसमें कमरे भरे हैं। तकरीबन 1,25,000 मूर्ति थी छोटी छोटी शिवलिंगों की। वो कौन सी जगह है? हाँ जी, वो कौन सी जगह है? यही पे। जहाँ ही है, उत्तरवैनी नहीं है। उत्तरवैनी वो सेंटर वाला जो मंदिर है उसका नाम मुक्तेश्वर मंदिर है। उधर सारी मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, शिवलिंग की मूर्तियाँ छोटी छोटी कमरे भरे हैं, कमरे में बंद पड़ी हुई, बंद पड़ी है। तो उसको आज तक किसी ने स्थापित करने की कोशिश नहीं की? कोई स्थापित नहीं हुई। तो पुजारी जी, एक चीज में मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, जैसे भगवान राम का ये मंदिर है और अयोध्या में भगवान राम अपने घर पे विराजमान हो गए, लेकिन आज यहाँ पे देख रही हूँ, क्या लोगों को पता है इस मंदिर के बारे में? लोग आते हैं? बड़ा कम है हमारे, बड़े कम लोग आते हैं यहाँ। अच्छा, जिनको इस मंदिर की थोड़ी जानकारी है वो ही आते हैं, जो बाहर के जिनको मालूम नहीं है वो नहीं आते। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमें भी इस मंदिर के बारे में जानकारी नहीं थी। जब हमारी टीम ने खोजबीन की इस मंदिर के बारे में, तो हमें पता चला कि यहाँ पे भी भगवान राम पूरी माता सीता के साथ और भाई लक्ष्मण हनुमान जी के साथ यहाँ पे विराजमान है, लेकिन मंदिर शांत है, यहाँ आगमन नहीं है यात्रीगण का। इसी कारण हमने कोशिश की कि आज इस मंदिर के बारे में बताया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मंदिर के बारे में जानकारी हासिल हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक विराट शिवलिंग है, शिवलिंग के सामने नाग देवता का की स्थापित किया गया है। और यहाँ पे जो आपको बताने के लिए हम स्पेशल मंदिर में आए थे, वो था यहाँ पे जो 12 शिवलिंग, जो आज तक मुझे नहीं लगता मैंने भी अपनी लाइफ में कहीं पे भी इतने शिवलिंग नहीं देखे हैं। ये सारे शिवलिंग की स्थापना यहाँ महाराजा साहब ने करी थी, और वो उनके सपने अधूरे रह गए क्योंकि उनका देहांत हो गया, और वो शिवलिंग, जैसे कि पुजारी जी का कहना है कि वो बंद कमरों में आज भी पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है।
मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगी कि ये पूरे शिवलिंग की आप कवरेज करिए ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ 12 शिवलिंग की स्थापना है। बाज करने वाले बाज, व्यू इतना खूबसूरत है और चिड़ियों की चहचहाट यहाँ पे। बाज करने वाले वहाँ आप देख रहे हैं ऊपर जो है छत के ऊपर कितना अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है और बीच में आप देख रहे हो कि खिड़कियों की जगह पे जगह बनाई गई है ताकि हवा जो है वेंटिलेशन जो है वो अंदर आए और यहाँ का वातावरण जो है वो शुद्ध हो रहा है इन सब की वजह से। कैसी अद्भुत भगवान की लीला कि आज हमारी टीम इस मंदिर को खोजते खोजते यहाँ आ पहुँची है। इतना विराट स्वरूप भगवान राम का, माता सीता, भाई लक्ष्मण, हनुमान जी और यहाँ पे हमारे भगवान शिव विराजमान है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। आइए और जानकारी लेते हैं यहाँ के लोगों से। मंदिर से कुछ ही कदम दूर यहाँ पे एक वीरान सी जगह मिली। यहाँ के लोकल नागरिकों का कहना था कि यहाँ एक ऐसी जगह है जिसको बोली बोला करते थे और महारानी साहिबा जो थी उस टाइम यहाँ इस बोली में नहाने आया करती थी। और आज ये बोली की ऐसी हालत देख के मन जो है दुखी हो गया और पास जो है इतनी भयानक तस्वीर देखकर इस जगह की कि ये वही जगह थी जहाँ हमारी महारानी साहिबा नहाया करती थी। उस टाइम का दृश्य और आज का दृश्य, आज यहाँ झाड़ियाँ सूखी हुई, सूखे हुए दरख्त चीख पुकार करके बोल रहे थे कि आओ यहाँ पे इस जगह को सुधारो, अपनी विरासत को ज़िंदा रखो। यहाँ विरासत को ज़िंदा रखने के लिए जिनकी ज़िम्मेदारियाँ थी उनको आना चाहिए यहाँ पे और इस जगह को फिर से हरा भरा बनाना चाहिए। हमारी एक ही मुहिम है कि ऐसी विरासत जो छुप रही है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी, तो इस विरासत को ज़िंदा रखने की जो मुहिम CN न्यूज़ ने चलाई थी और आप तक ये दृश्य पहुँचाया था, आई होप आप सब लोग इस जगह पर आएंगे और इस जगह को फिर से हरा भरा बना देंगे। इस मंदिर में पहुंचकर एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को नज़र आ रही है। यहाँ पे एक पुजारी जी मिले जो सुनने में आया है कि काफ़ी सालों से यहाँ हर शिवरात्रि को आते हैं, लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे और पूजा पाठ करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्ते। नमस्कार जी, आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम नरेश आसी है। तो नरेश जी, जैसा कि मुझे पता चला है कि आप काफ़ी वर्षों से यहाँ आ रहे हैं शिवरात्रि के दिन, तो ज़रा बताएँ इसके बारे में। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुगजेंद्र हारम सदा बसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, बोलो शंकर भगवान की जय। हमें तकरीबन जहाँ कोई आते हुए 6-7 साल हो गए हैं। इससे पहले हमारे गुरुजी आते थे तो उनके साथ ही हमने आना शुरू किया है हर शिवरात्रि पर। तो हम आते हैं शिवरात्रि पर 4:30-4:05 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं और पूरी शिवरात्रि के दिन 4 पहर का पूजन करते हैं। हमारे साथ कम से कम भी 250-300 के करीब लोग होते हैं जो जहाँ पे आते हैं और पूजन में भाग लेते हैं। जो 4 पहर का पूजन होता है वो पूजन हमारे साथ करते हैं और सुबह जो 4th पहर होता है, 4th पहर का पूजन करने से पहले वो देविका में स्नान करके फिर उस पहर का पूजन करते हैं और फिर हवन। तो नरेश जी, देविका जो है नदी वो तो उधमपुर में है, उत्तरवैनी नदी जो उत्तरवैनी में भी देविका बहती है। हाँ जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आपकी देविका नदी का क्या कनेक्ट है उधमपुर की नदी के साथ? ये हमारी गुप्त गंगा, गुप्त काशी है। अच्छा, तो ये वही है नदी जो देविका नदी उधमपुर में बहती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने ये भी सुना है कि जो लोग हरिद्वार नहीं जा सकते वो उत्तरवैनी में आते हैं अपनी अस्थियां परवाह करने के लिए। हरिद्वार का महत्व है उतना ही उत्तरवैनी के घाट पर स्नान करने का, अस्थियां प्रवाहित करने का, जहाँ मत्स्या के दिन श्राद्ध आदि करने का जो महत्व है उतना ही महत्व, उतना ही पुण्य जहाँ पर स्नान करने का और पिंडदान करने का है। अच्छा, तो यहाँ पे आके आपको कैसा लगता है और किसने बताया इस जगह के बारे में? जो हमारे गुरुजी थे वो आते थे तो उनके साथ जब हम पहली बार आए हमें भी अच्छा लगा। एक एकांत स्थान है और अच्छा शिवलिंग है जहाँ पे जो जितने भी श्रद्धालु आते हैं पूजा करके उनका भी मन मोहित हो जाता है और भगवान शंकर की जो महाशिवरात्रि है उस दिन वो 4 पैर का पूजन करते हैं, जैसे दूध का अभिषेक, घी का अभिषेक, दही का अभिषेक, मधु का अभिषेक, फिर भगवान को बिलपत्र अर्पण करते हैं,
पूजन करके वो भी उनका भी मन प्रसन्न होता है और वो उनकी भगवान शंकर भी उनकी मुरादें पूरी करते हैं। क्या आप बताएंगे यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी आते हैं इस पूजा में शामिल होते हैं? हाँ, अधिक संख्या में आते हैं वो लोग, क्योंकि पहले जब हमने आना शुरू किया था जी, तो पहले तो शहर में तो किसी को पता ही नहीं था इस मंदिर का। अच्छा। क्योंकि ये एकांत मंदिर है, बढ़िया मंदिर है, और जैसे हम लोग आते हैं तो हम जो इतनी इधर के लोग आसपास के लोग हैं ना वो भी भारी मात्रा में इधर आते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस मंदिर तक पहुँचाने में नरेश शास्त्री जी का ही हाथ है। इन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में जानकारी दी और हमारी टीम यहाँ पर आ पहुँची। जैसे कि नरेश शास्त्री जी बता रहे हैं कि हर साल वो शिवरात्रि वाले दिन यहाँ आते हैं, विधि से पूजा पाठ किया जाता है और लोग भी यहाँ पे आने लगे हैं इनकी वजह से, क्योंकि ये बताते हैं कि यहाँ पे एक विशाल मंदिर है जो काफ़ी सालों से सुनसान पड़ा हुआ है। और मैं थोड़ा सा और मेरी जिज्ञासा जैसे नरेश जी जाग रही है कि यहाँ पे जो कल आप भंडारा करोगे तो उसका कौन करता है खर्चा वगैरह? जो जितनी भी जो अपने सेवक आते हैं ना वो सारा कंट्रीब्यूशन करते हैं। अच्छा। जितना होगा जो रात को इधर जो फलार है, फ्रूट जी, है जी। जो भी लोग आए थे चाय की व्यवस्था, वो सारे जो लोग आए वो मिलजुल कर करते हैं। तो जिनका ये मंदिर है, जिनका ये ट्रस्ट है, उनकी तरफ से भी कोई योगदान होता है? मेरी नजरी से जब से हम आ रहे हैं तब से उनका तो ऐसा कोई योगदान लगा नहीं। जो लोग ही आपस ही सहयोग से करते हैं, जो जितने हमारे साथ आते हैं लोग वही करते हैं, तो बाकी जो ये गांव वाले हैं आसपास के लोग हैं वही मिलके करते हैं। पीछे जैसे हम देख रहे हैं नरेश जी, एक टूटा फूटा सा मकान है, तो जरा इसके बारे में आप जानकारी देंगे कि ये टूटा फूटा मकान किसका है और कौन रहता है? मेरे नजरिए से पहले जो मुख्य पुजारी थे ना, जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी थे, वो रिटायर हो चुके हैं, मुझे इस चीज का पता नहीं है। उनका ही पुजारी जी काफी देर से इनका परिवार इस मंदिर में सेवा करता है, आरती पूजा पाठ करते हैं, साफ सफाई रखरखाव यही करते हैं, यही लोग करते हैं। तो ये जो आपसे पहले हमने जिन पुजारी जी से बात करी थी वही पुजारी हैं इस मंदिर के रखरखाव के लिए? हाँ, शायद हाँ, वही रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत दुख की बात है कि जिनकी फैमिली पुश्तों से यहाँ सेवा कर रही थी इस मंदिर में, वो खुद एक टूटे फूटे मकान में रहते हैं, उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं और वो कैसी स्थिति में यहाँ पे रह रहे हैं। मकसद एक ही था कि हर एक इंसान को जीने का हक है। अगर आप मंदिर की रख रखाव भी नहीं कर पाए और इनके बारे में नहीं सोच पाए, तो कम से कम आम पब्लिक, आम नागरिकों को चाहिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आए, ताकि आपका जो चढ़ावा होगा वो मंदिर के ऊपर भी लगाया जाए और जो रख रखाव कर रहे हैं उनका भी जीवन जो है वो थोड़ा अच्छे से, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके। एक ही मुहिम थी कि नई जगह को दिखाना। आज हमारे चैनल के माध्यम से मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रगुजार करती हूँ जो यहाँ तक पहुँची है और इसके मंदिर के बारे में जानकारी आप तक पहुँचा रही है। हम आशा करते हैं कल शिवरात्रि पे भगवान शिव जो यहाँ पे विराजमान है वो कल खुश होंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग आएंगे हमारे इस वीडियो को देख के। और हम एक और आशा करते हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जो ट्रस्टी हैं वो भी यहाँ इस मंदिर का और इसके आसपास की जगह का ध्यान देंगे। जय भोले बाबा। विशाल शिवलिंग आप देख रहे हैं, जैसे इतना बड़ा विशाल शिवलिंग है, ऊपर नाग देवता विराजमान है, सामने पुजारी जी खड़े हैं। तो ये मंदिर अधूरा रह गया, मूर्तियां पहले से उन्होंने मंगवा ली थी, जहाँ ज्योतिलिंग जो 12 ज्योतिलिंग हैं जो वो उन्होंने जहाँ से लेकर प्रमंडल तक मंदिरों वाला शहर बनाना था, लेकिन उनका ध्यान होने के कारण ये जहाँ की मूर्तियाँ जहाँ ही स्थापित कर दी, जहाँ रखी थी उन्होंने पहले लाकर, श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बनना था।